शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। नमस्कार, नीरज राज के साथ मैं राजकुमार गौतम, आप देख रहे हैं सूरत सलोनी। आज हम आए हैं बस्ती जनपद के एक ऐतिहासिक धरोहर स्थल पर। ऐतिहासिक तो नहीं कह सकते, लेकिन यह धरोहर स्थल जरूर है। हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए यह स्थल बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप में अहम भूमिका निभाता है। हम आए हैं NH-28 के बगल बने, जो है आप देख सकते हैं, कारगिल शहीद स्मारक स्तंभ पर। ये जो इसकी दुर्दशा हुई है, क्या इसका जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन या आमजन या समाज, कौन है आखिर इसका जिम्मेदार? जिस तरीके से यहाँ टूटी फूटी ये जो है स्तंभ इस अवस्था में है, कुछ ही विगत वर्षों में ये हाल अगर इस सौर स्तंभ का हो रहा है, तो बताएं आम जनमानस की स्थिति क्या होगी? क्या हमारे देश के जवान, हमारे जो है देश की रक्षा करने वाले शहीद का ये स्मारक चिन्ह इस तरीके से क्षतिग्रस्त होना चाहिए? आज के राजनेता क्या यही करते हैं? आप देख सकते हैं किस तरीके से टूटी फूटी स्थिति में है। क्या शहीदों को सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को ही याद किया जाना चाहिए? अन्यत्र उनके स्मारक चिन्हों का, स्मारक स्तंभों का इस तरीके से जर्जर अवस्था में क्या कोई सुध लेने वाला नहीं है? ना ही बस्ती प्रशासन, ना ही राजनेता, ना ही कोई और विशिष्ट नागरिक जो अपने आप को कहते हैं कि वो देशभक्त हैं। आज देशभक्ति का पैमाना क्या रह गया है? क्या केवल राजनीतिक के समय जो है राष्ट्रभक्त याद आती है, देशभक्त तब याद आता है, या चुनाव में ही राष्ट्रभक्ति सिर्फ याद आती है? जिस तरीके से आज राजनीति को मैनिपुलेट कर दिया गया है, जातिवाद के आवरण में ढक दिया जाता है, क्या ऐसे में हमारे शहीदों के स्मारक की उपेक्षा किया जाना उचित है? ये सौर स्तंभ जो है, तरीके से यह कह लीजिए, ये इसकी जर्जर व्यवस्था नहीं है, ये शासन प्रशासन की जर्जर व्यवस्था है। यह स्तंभ खड़े होकर देश के नेताओं को चिढ़ा रहा है, भारत के यूपी के प्रशासन को चिढ़ा रहा है। अगर इससे भी शर्म नहीं आती, इससे भी लज्जा नहीं आती प्रशासन को, नेताओं को, तो धिक्कार है ऐसे नेताओं को, ऐसे प्रशासन पे। घपलेबाजी कहां नहीं होती, हर जगह हो रही है। सौर शहीदों के सौर स्तंभ पर भी घपलेबाजी, यह देख लीजिए। ये सौर स्तंभ तो बना है 2019 में, लेकिन यहाँ की ये देख लीजिए किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ मोरंग सब दिख रहे हैं, यहाँ भी धांधलीबाजी। ये देश के नेता चाहे, ये प्रशासन के अधिकारी चाहे, तो कफन भी बेच ले, इनको क्या पड़ी है? देश के शहीदों की, हमारे वीर जवानों की, या तो सिर्फ केवल शोषण करने पर उतारू है। आप जर्जर व्यवस्था देख सकते हैं। नीरज जी आइए, हम पीछे दिखाते हैं कि कैसी यहाँ कूड़ा का अंबार लगा हुआ है। यहाँ जगह जगह पर कूड़े करकट लगे हुए हैं। क्या ये व्यवस्था है? जो अपना बलिदान दिए हैं, जो देश के लिए अपना खून बहाए हैं, इस देश को खूनों से सींचा है, उनका स्तंभ इस तरीके से जर्जर अवस्था। वाह अरे नेता, ये नेताओं और खोखले राष्ट्रभक्तों की ये देना है। इस तरीके से खड़े होकर ये राजनेता चिढ़ाने का कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं, ये कूड़ा करकट का अंबार है। केवल चुनावी माहौल में इनको देशभक्ति याद आती है, या अपने वोटों को लेकर, राजनीति को लेकर जब ये चुनाव में आते हैं, तब इनको जातिवादी, धर्म विभेद पैदा करके, तब इनको नकली राष्ट्रवादी इनके मन में पैदा होता है। इनके जुबानों पर सिर्फ राष्ट्रवाद शब्द निकलते हैं, और दिल में खोखली बातें भरी होती हैं, जो सिर्फ जनता को प्रताड़ित और उत्पीड़न के सिवा और कुछ नहीं देती। देख लीजिए आप,
उभर देखिए किस तरीके से जर्जर अवस्था में यह हमारे देश के वीर सपूतों का शौर्य स्तंभ है, जिस देश के लिए हमारे वीर सपूतों ने खूनों से सींचा है, इस तरीके से इस हाल में यह शौर्य दिवस जर्जर पड़ा हुआ है। एक सच्चे वीर सपूत का कलेजा यह देखकर भर आता होगा कि किस तरीके की जर्जर व्यवस्था इस शौर्य स्तंभ में है। आइए हम आगे चलते हैं, आप देखिए यहाँ देखिए साइड में किस तरीके से टूटा फूटा हुआ, और सबसे बड़ी बात यहाँ की अव्यवस्थाएं देखिए, जिसके सौंदर्यीकरण के लिए ना तो शासन प्रशासन न नगर पालिका न यहाँ के राजनेता ही सुध ले रहे हैं। सिर्फ इनको इनको चाहिए क्या, इनको जब वोट लेना होता है तब इनको दिखाई देता है जनता, तब इनको दिखाई देती है देशभक्त, वो भी खोखली। क्या ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए? आज देश का सच्चा नागरिक वीर सपूत पूछ रहा है क्या ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये यह देखिए किस तरीके से यह उखड़ा हुआ है, ये सब टाइल्स वगैरह इनके निकले हुए हैं इसमें तथा इसमें लगभग देखिए, इधर आइए नीरज जी, इधर आइए दिखाइए, यहाँ पे चैन लगा हुआ करता था कभी, अब वो भी शायद टूट गया है, तोड़ दिए हैं लोगों ने। अच्छा, अराजक तत्वों की भी यहाँ कोई कमी नहीं, देखिए यहाँ पे तोड़ दिए हैं, और यहाँ यहाँ देखिए कचरों का कैसा अंबार लगा हुआ है, ये स्थिति है। यहाँ यहाँ दिखाइए, यहाँ देखिए ये टाइल्स वगैरह लगा है, इसके पीछे ये काई लगी हुई है, ये है शौर्य स्तंभ हमारे वीर सपूतों का। देश इन्हीं राजनेताओं की पीड़ा से दुखी है, और सच्चे नागरिक और सच्चे देशभक्त जब यह मंजर देखते होंगे तो उनका कलेजा फट जाता होगा। क्या इसी तरीके से हमारे शहीदों का सम्मान होता है इस राष्ट्र में? नमस्कार, नीरज राज के साथ राजकुमार, आप देख रहे थे सुरक्षा।